आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है कि भाई अंडा वेज है कि नॉन वेज है, अगर वेज है तो क्यों, नॉन वेज है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, तो मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूँगा कि भाई अंडा जो है वो वेज फूड में लाई करता है और इसकी वेज कैटेगरी आती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। तो अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो अंडे को एज अ वेज फूड ही कंसीडर किया गया है क्योंकि इसके अंदर कोई लाइफ का सब्सटेंस नहीं होता। लेकिन हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि भाई अंडा नॉन वेज है, अंडा नॉन वेज है, मुर्गी का अंडा नॉन वेज है। तो उसका भी एक कारण है, उसका कारण है जो लोग नॉन वेज कहते हैं क्योंकि जो हमारे पुराने टाइम में लोग होते थे तो वो अपनी डाइट एज क्लीन रखना चाहते थे और वो मांस, अंडा, इनफैक्ट दूध को भी एज अ यू नो वो मानते थे कि भाई दूध भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी पता चलता है कि भाई दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं होता डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट डाइजेस्ट होता है। नेचुरली तो वो एक लिक्विड होता है लेकिन वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम प्रोसेस लेता है। तो पुराने लोग दूध को भी नहीं लिया करते थे। तो दूध से हटकर अब बात करते हैं अंडे पे। तो जो लोग थे वो मानते थे कि भाई अंडा सही नहीं है, हम अंडा खाएंगे, इससे बढ़िया हम कोई दाल, कोई सब्जी, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ज़मीन से पैदा की गई हो, ऐसा फूड, ठीक है। और थोड़ा सा फ़र्क देखें कि भाई वो थोड़े से फिट भी रहते थे, ठीक है ना। पुराने टाइम वाले लोग जब ये चीज़ें अवॉइड करते थे अपनी डाइट से, लैक्टोस वो बाहर निकालते थे और ये थोड़ा सा अंडा वगैरह, मीट वगैरह बाहर निकालते थे। बेसिकली ये डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेती हैं नेचुरली रोटी सब्जी से, तो तभी वो ये कहते थे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते थे कि बॉडी अपने आप पे स्ट्रेस ना ले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हमारा प्रोसेस है बहुत ही सफाई और स्मूथली से चलते रहना चाहिए बॉडी का। तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल ही गया होगा कि भाई अंडा बेसिकली एक वेज है, साइंटिफिकली इसे एज अ वेज फूड कंसीडर किया जाता है। लेना ना लेना ये सब कुछ आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से अपना डाइट का इंटेक करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा सा मुझे भी ये टॉपिक जो था दिमाग में चल रहा था उस टाइम जब मैं क्लास में था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया। थैंक यू।